स के दौरान आपको अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देखनी चाहिए जो भी डॉक्यूमेंट देखें आप देखें कि वो अर्थमेटिकली करेक्ट है वो प्रॉपरली ऑथोराइज की गई है और वो प्रॉपर्ली एंटर की गई है जो बड़ी परचेज हैं मिसाल के तौर पे कोई अगर फिक्स एसेट खरीदी गई है या कोई बहुत बड़ी रकम में या सालाना कॉन्ट्रैक्ट के तहत परचेज की गई है उनकी चेकिंग आप हमेशा इन डेप्थ में करें यानी हर परचेज को हर डिटेल में चेक करें एक और चीज़ ऑडिटो को करनी चाहिए वो ये है कि जितनी डॉक्यूमेंट्स परचेसिंग डिपार्टमेंट में या स्टोर्स डिपार्टमेंट में या अकाउंट्स डिपार्टमेंट में परचेसिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जितनी इस्तेमाल हो रही हैं उन सब की न्यूमेरिकल सीक्वेंस वो चेक करें कि ये वो उन्हीं तारीखों में इस्तेमाल हुई हैं जिन तारीखों में वो किताब में इस्तेमाल हो रही थी ये तो नहीं है कि जनवरी जो चेक जारी किया गया है उसकी डेट जो है वो इन से पहले की है यहाँ जो गुड्स रिसीव नोट जो है वो ऑर्डर से पहले की डेट का है या उनकी नुमरिका सीक्वेंस जो है वो गलत है क्योंकि ये तब ये सब कुछ तभी होगा जब कोई मिस अप्रोपेशन हो रही होगी तो अगर नुमरिका सीक्वेंस सही चल रही है तो मिस अप्रोपेशन का इम्कान कम है जहाँ पे अगर कोई चीज़ रिसीव हुई है स्टोर में आ गई है गुड्स रिसीव नोट इशू हो गया लेकिन उसकी अनवाइस नहीं आई और काफ़ी असर तक नहीं आई तो उसको आप इन्वेस्टिगेट करें इन ऑडिटर को चाहिए कि इन्वेस्टिगेट करे भाई कौन सा ऐसा सप्लायर है जिसने माल तो भेज दिया पर इन्वाइस नहीं भेजी अब यह भी हो सकता है कि इन्वाइस आई हो कंपनी ने छुपा दी हो क्योंकि कंपनी चाहती है कि वो गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में तो काउंट हो जाएँ लेकिन परचेजिंग में काउंट ना हो तो इसलिए अगर कोई रिसीव हुई हैं गुड्स तो और उसकी इन्वाइस नहीं आई है तो उसको अभी इन्वेस्टिगेट करें इसी तरह अगर गुड्स ऑर्डर कर दी गई हैं और वो अभी तक आई नहीं है काफ़ी अर्सा गुजर गया और आई नहीं है तो उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाए क्योंकि उसमें भी मिसअप्रिपेशन का एहतमाल है और अगर इन्वाइस आ गई हैं और काफ़ी अरसा तक उनकी पेमेंट नहीं हुई है तो उसको भी इन्वेस्टिगेट करें कि क्या वजह है ये तो नहीं है कि वो इन्वाइस फेक है और वो पेमेंट एक्चुअली उसकी होनी ही नहीं है और ये सब कागजी कार्रवाई की गई है तो इसलिए जितनी भी लॉन्ग आउटस्टैंडिंग इन्वाइस है उनको चेक करना चाहिए और अगर कोई गुड्स रिटर्न की गई हैं या कोई शॉर्ट डिलीवरी हुई है तो उसके बस अगर अभी तक क्रेडिट नोट नहीं आया और काफ़ी वक्त हो गया तो उसको भी चेक करें कि ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ गुड्स रिटर्न जो है सिर्फ कागजी कार्रवाई है और सप्लायर को इसका इलम ही नहीं है तो ऑडिटर को चाहिए कि जहाँ भी किसी एक्टिविटी और उस एक्टिविटी के रिलेटेड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट में कोई पॉज है कोई वक्त है तो उसको डिटेल में इन्वेस्टिगेट करें अब आप आइए इन्वाइसिस की तरफ ऑडिटर को चाहिए कि चंद इन्वाइसज़ उठाएँ दस चक के बेसिस पे और उनको रिकम्प्यूट करें क्योंकि ग्रॉस प्राइस नेट प्राइस डिस्काउंट प्राइस ट्रेड डिस्काउंट क्वांटिटी डिस्काउंट वगैरह चेक करें उनको परचेस बुक में देखें कि सही एंट्री हुई हैं फिर जाकर उनको नॉमिनल अकाउंट में जहाँ पे वो डेबिट हुई हैं वहाँ कि सही हुई हैं और सप्लायर अकाउंट में देखें कि सही तौर पर एंट्री की गई है फिर अगर कहीं क्रेडिट नोट जारी होना था तो वो जारी हुआ है और फिर ये देखें कि इन्वाइसिस में जितना क्रेडिट पीरियड अलाउ किया गया है वो उसका पूरा इस्तेमाल किया गया आखिर एक कंपनी जिसको तीन महीने का क्रेडिट दिया गया है वो क्यों पंद्रह दिन बाद पेमेंट कर दे क्योंकि जिस बंदे ने आपको तीन महीने का क्रेडिट दिया है उसने तीन महीने की क्रेडिट की कीमत आपकी गुड्स में शामिल कर दी है तो अगर आप वक्त से पहले पेमेंट कर रहे हैं तो इन अ वे आप ओवर पेमेंट कर रहे हैं तो अच्छा इसी तरह अगर कोई शॉर्ट डिलीवरी हुई है तो आप देख लें कि शॉर्ट डिलीवरी की पेमेंट नहीं की गई है आप ऑडिटर चेक करते वक्त इनमायर हिस्सों को चेक करते वक्त ये भी देखें कि ऑर्डर की अथॉरिटी जो थी उस बंदे को हासिल थी जिसने ऑर्डर पर साइन किए हैं पेमेंट अप्रूव करने की अथॉरिटी उस बंदे को हासिल थी जिसने पेमेंट अप्रूव की है और चेक साइन करने की अथॉरिटी उस ऑफिसर को थी जिसने चेक साइन किया अब हम आते हैं ऑडिट ऑफ क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स जाहिर है क्रेडिटर्सेज की वजह से पैदा होते हैं क्रेडिटर्स का रोल कंपनी में सिर्फ इसलिए कि उनसे उधार चीजें खरीदी गई हैं तो इसका ऑडिट परचेजिंग के साथ ही किया जाता है इसका ऑडिट करते वक्त सबसे पहले आप एक शेड्यूल ऑफ ऑडिटर्स या लिस्ट ऑफ ऑडिटर्स हासिल करें कंपनी से कहें कि मुझे शेड्यूल ऑफ ऑडिटर्स दें उस लिस्ट कि आप अर्थमेटिकल एक्रेसी चेक करें कि जो लिस्ट का टोटल सही है कहीं ये तो नहीं है कि टोटल पाँच लाख है और एक्चुअली शो किया जा रहा है बारह लाख जिससे कि बैलेंस शीट में फ़र्क कर सकता है तो उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करें और फिर इंडिविजुअल बैलेंसेस को क्रेडिटर्स लेजर के साथ चेक करें कि जो लिस्ट में बैलेंस शो किया गया है वही लेजर में भी है फिर उसमें से चंद क्रेडिटर्स को आप सेलेक्ट करें और उनको डिटेल में ऑडिट करें उसकी अकाउंट की हर ट्रांजेक्शन को चेक करें कि वो सही है चंद बड़े चंद मीडियम साइज़ और चंद छोटे क्रेडिटर्स की अब डायरेक्ट कन्फर्मेशन हासिल करें डायरेक्ट कन्फर्मेशन के बारे में हमने अपने पीछे प्रोग्राम में बताया था कि ये एक ऑडिट टेक्निक है जिसमें हम किसी आउटसाइड पार्टी से कन्फर्मेशन लेते हैं कि जो बैलेंस कंपनी की किताबों में है वो सही है कि नहीं अगर किसी क्रेडिटर के अकाउंट में मिसाल के तौर पर लिखा गया है अकाउंट का बैलेंस है कि हमने उसके बारह लाख पाँच सौ रुपये देने हैं तो क्रेडिटर को ख़त लिख के पूछा जाए क्या वाकई ही कंपनी ने उसके बारह लाख पाँच सौ रुपये देने हैं अभी जो डायरेक्ट कंफर्मेशन का खत है वो कंपनी लिखेगी लेकिन उसका जवाब जो है वो क्रेडिटर से रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो डायरेक्ट ऑडिटर के पास जाए डायरेक्ट कंफर्मेशन बहुत इफेक्टिव तरीका है वेरीफाई करने का कि वो लाइबिलिटी है और वो किस रकम की है अब हम आते हैं सेल्स की तरफ जैसा कि हमने शुरू में कहा था सेल्स से मुराद है क्रेडिट सेल्स क्रेडिट सेल्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे या से क्या होने चाहिए पहली बात तो यह कि जो भी कंपनी में ऑर्डर आए गुड्स के लिए ऑर्डर है उसको प्रॉम्प्टली उस पर एक्ट किया जाए ये ना हो कि लोग ऑर्डर दें और आप दो दो तीन तीन चार चार दिन डिलीवरी में लगा दें उससे ज़्यादा कि सेल्स पर असर पड़ेगा दूसरी बात यह है कि जो क्रेडिट सेल्स की जाए यानी जब भी उधार पर माल दिया जाए तो, तो सिर्फ अप्रूव्ड कस्टमर्स को क्रेडिट दी जाए और हर पर्टिकुलर सेल की भी अप्रूवल ली जाए इन्वाइस जो जारी की जाए वो डिलीवरी का फ़ौर बाद जारी की जाए और वो सही तौर पर जारी की जाए उसमें सही कीमतें लगाई जाएँ और जो डिस्काउंट एग्रीड है वही दे दिया जाए उससे ज़्यादा ना दिया जाए अगर कोई कस्टमर शॉर्ट डिलीवरी का क्लेम करता है या कहता है कि आपने कीमत सही नहीं लगाई या डिस्काउंट सही नहीं दिया तो इस तरह की अगर कोई कंप्लेंट आती है या कोई क्लेम आता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और फ़ौर उसका उसको दुरुस्त करना चाहिए वरना कंपनी का कारोबार और कंपनी की इमेज जो है वो मुतासर हो सकती है और जब एक दफ़ा आपने इन्वास जारी कर दी तो आपको ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि अब इस इन्वाइस को कैश में जल्द अज़ जल्द कन्वर्ट कर लिया जाए और अगर कभी ये लगता है कि कैश रिसीव नहीं होगा तो उसकी प्रॉपर प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स कर दी जाए ना इन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए हम क्या इकदाम करते हैं इन इकदाम को मुख्तलिफ स्टेप्स में तकसीम करते हैं पहला स्टेप है कि रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर और डिस्पैच ऑफ गुड्स में हमें क्या इंटरनल कंट्रोल स्टेप्स लेने चाहिए सबसे पहले यह कि तमाम ऑर्डर्स को एक रजिस्टर में एंटर करना चाहिए ताकि ये ना हो कि ऑर्डर्स इधर उधर हो जाएं या गुम हो जाएं और उन पर एक्ट ना एक्शन ना हो या उनका फॉलोअप जो है वो मुमकिन ना हो सके तो एक रजिस्टर होना चाहिए एक क्रेडिट कंट्रोल प्रोसीजर होना चाहिए तहरीरी तौर पे भाई कौन से कस्टमर्स हैं जिनको हम कितना उधार किस हद तक कितने दिनों के लिए दे सकते हैं कौन से कस्टमर्स हैं जिनको हम कितने दिनों का उधार देंगे या उनको हम क्या क्रेडिट वेरिफिकेशन करेंगे और फिर उनकी अनुवाइस पेमेंट करेंगे एक अप टू डेट रिकॉर्ड ऑफ़ रिसीवेबल्स होना चाहिए यानी यह है कि जिसको जो भी चीज सुधार पे दी जा रही है उसका अकाउंट जो ऑटोमेटिकली अपडेट करना चाहिए अगर आपका अकाउंट्स अपडेटेड नहीं है तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस कस्टमर ने आपके कितने पैसे देने और आप उसको मज़ीद सप्लाई करते जाएंगे और हो सकता है ऐसी स्टेज आए कि फिर वो कस्टमर आपको पैसे देने के काबिल ही ना रहे या जान पेमेंट ना करे तो इसलिए अपडेटिंग कंटिन्यूस अपडेटिंग ऑफ रिकॉर्ड जो बहुत अहमियत है और जब भी कोई चीज़ डिलीवर की जाए जब भी कोई चीज़ कस्टमर को भेजी जाए उससे पहले उसके ऑर्डर की मंजूरी वो भी किसी ऑथराइज ऑफिसर से बहुत ज़रूरी है इसी तरह जो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं यानी कोई ऑर्डर रिसीव हुआ है जिस पे अभी तक एक्शन नहीं हुआ है उसको कोई एक जिम्मेदार ऑफिसर रेगुलरली रिव्यू करता रहे ताकि ऑर्डर्स जो हैं वो अनअटेंडेड ना रहे ऑर्डर आया अप्रूव हो गया और आपने स्टोर्स को भेज दिया कि आप माल भेज दें उसके बाद स्टेज आती है सेल्स इन की इस पे कंट्रोल करने के लिए आप क्या इकदाम लेंगे सबसे पहले तो एक अप्रूव प्राइस लिस्ट होनी चाहिए यानी किस माल की आपने क्या कीमत अदा लगानी है ये किसी के डिस्क्रेशन पे नहीं होना चाहिए बल्कि एक अप्रूव प्राइस लिस्ट होनी चाहिए इसी तरह एक अप्रूव डिस्काउंट लिस्ट भी होनी चाहिए कि किस प्रोडक्ट पे या किस एरिया पे या किस कस्टमर को कितना डिस्काउंट देना है ये नहीं है कि इन्वास दिखने वाले की मर्ज़ी पे है कि वो जिस कस्टमर को चाहे जिस एरिया में चाहे या जिस प्रोडक्ट पर चाहे जितना डिस्काउंट दे दे एक अप्रूव लिस्ट होनी चाहिए इन्वाइस को प्रॉम्प्टली जारी करने का यानी कि डिलीवरी के, के फॉरम बात बल्कि हो सकते तो डिलीवरी के साथ ही जारी करने का एक तरीका कार होना चाहिए आजकल तो कंप्यूटर्स आ गए हैं गुड्स डिलीवरी नोट और इन्वाइस जो है वो बैक वक्त जारी की जा सकती है लेकिन जहाँ पे कम्प्यूटराइज स्टॉक कंट्रोल नहीं भी है वहाँ पर भी कोशिशें होनी चाहिए कि जैसे ही गुड्स डिलीवर की जाएँ इन वॉयस जारी कर दी जाए बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स की तरह सेल्स डिपार्टमेंट भी जो भी डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं इन्वाइस बुक्स गुड्स एश्यू नोट्स वगैरह तमाम प्री प्रिंटेड हों और प्री नंबर्ड हों ताकि उनके दोबारा इस्तेमाल का इम्कान ना रहे जहाँ तक मुमकिन हो सके एक बंदा इनवाइस प्रिपेयर करे और दूसरा बंदा इन को भेजे जाने से पहले चेक करे ताकि इन में गलती का इम्कान ना रहे क्योंकि बाद में उसको दुरुस्त करना मुश्किल हो जाता है अब हम आते हैं कि इन्वाइस ईशू करने के बाद उसकी अकाउंटिंग पे किस तरह कंट्रोल करना चाहिए एक तो आप सेल्स डे बुक लिखेंगे जिसमें के तमाम इन्वाइसिस को लिस्ट किया जाता है रकम समेत उसके बाद एक डेटस लेजर मेंटेन करते हैं जिसमें हर इंडिविजुअल कस्टमर का एक अकाउंट होता है जिसके आप फॉलोअप करने के काम आता है कंप्यूटर की वजह से दिस कैन बी अपडेटेड मिनट बाय मिनट जहां मुमकिन हो वहां पे अगर ऑनलाइन सिस्टम हो तो बहुत ही अच्छा है वरना कम से कम डेली पोस्टिंग जरूर होनी चाहिए अगर सेल्स लेजर अप टू डेट नहीं है तो फिर आप कस्टमर को फॉलो अप नहीं कर सकते क्रेडिट कंट्रोल नहीं कर सकते और आपको पैसे अपने वापस वक्त पर नहीं मिलेंगे डेली पोस्टिंग के बाद आपको आपको वीकली या मंथली स्टेटमेंट्स कस्टमर को भेजनी चाहिए यह बात आपको याद रखनी चाहिए कि कोई कस्टमर उस वक्त तक आपको पेमेंट नहीं करेगा जब तक आप उसे याद नहीं कराएंगे याद कराने का तरीका यह है कि आप उसे वीकली या फोर्टनाइटली या मंथली स्टेटमेंट्स भेजें और उस स्टेटमेंट्स के बाद आप एक जिम्मेदार ऑफिसर की एक ड्यूटी लगाएं कि स्टेटमेंट जाने के बाद उसको फॉलोअप करें कस्टमर्स को फोन करके या ज्यादा तौर पर जाके के भाई आपको स्टेटमेंट मिल गई अब आप इसकी पेमेंट करें अब हम आते हैं इंटरनल कंट्रोल मेज सेल्स से वाबस्ता दूसरे अमूर के बारे में पहली बात तो यह कि सेल्स के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनका एक फॉर्मल प्रोसीजर होना चाहिए जो कि तहरीर में होना चाहिए ये हमने बार बार कहा है कि इंटरनल कंट्रोल किसी भी चीज पे इंटरनल कंट्रोल के लिए एक जरूरी जुज ये है कि तमाम प्रोसीजर्स को तहरीर में लाया जाए और तमाम को और यार वर्कर्स को उन प्रोसीजर्स का सही तरह से इल्म हो अब आप गुड्स रिसीव जो कस्टमर से चीजें वापस आती हैं मिसाल के तौर पर आपने डिलीवर की वो सही नहीं थी या शॉर्ट तादाद में थी या वो डैमेज थी तो जब चीज़ें वापस आती हैं तो आप उनकी इंस्पेक्शन करें क्या जिस बुनियाद पे वो चीज़ें वापस की गई हैं वो सही है कि नहीं है अगर वो सही है तो आप उनको वापस एक्सेप्ट कर लें और उस पर गुड्स रिटर्न नोट जारी कर दें उसकी बुनियाद पर एक ऑफिसर उनको ऑथोराइज़ करे तो तब क्रेडिट नोट जारी किया जाए क्रेडिट नोट के इशू में बहुत एहतियात की जरूरत है क्योंकि जब आप क्रेडिट नोट इशू करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने कस्टमर के ज़ुमे से रकम की अदायगी को की ज़िम्मेदारी ख़त्म कर दी है तो इसलिए क्रेडिट नोट जो है बहुत ही ज़िम्मेदार ऑफिसर को साइन करना चाहिए इंटरनल चेक का तकाजा ये है कि जो बंदा गुड्स डिलीवर कर रहा है वो इनवाइस ना लिखे जो इनवाइस लिख रहा है वो क्रेडिट नोट ना लिखे जो क्रेडिट नोट लिख रहा है वो कैश के साथ रिलेटेड ना हो वरना गोल माल का इम्कान रहेगा अब हम आते हैं एक्चुअल ऑडिटिंग की तरफ जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया है ऑडिट शुरू करने से पहले एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन प्रिपेयर करता है ताकि उसको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में पता चल जाए तो सेल्स के बारे में जो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर्स बनाए जाएंगे उसमें इन एरियाज़ को कवर किया जाएगा सबसे पहले रिसिप्ट ऑफ गुड्स डिस्पैच ऑफ गुड्स इन्वाइस लिखने का प्रोसीजर जो कस्टमर गुड्स वापस करते हैं उनको रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर और इनकी अकाउंटिंग सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल्स को ऑडिट करते वक्त एक्सटर्नल ऑडिटर को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए एक सिंपल तरीका यह है कि चंद डिवाइस का इंतजाम किया जाए और उनको डिटेल में चेक किया जाए उनको वाउच किया जाए किन किन चीज़ों का चेक किया जाए उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देखी जाए उसको प्राइस लिस्ट के साथ कंपेयर किया जाए उसको डिस्काउंट लिस्क के साथ कंपेयर किया जाए उसको कस्टमर ऑर्डर के साथ कंपेयर किया जाए डिलीवरी नोट के साथ कंपेयर किया जाए कि ये तमाम डॉक्यूमेंट के साथ वो मुताबत रखती है कि नहीं उसके बाद चेक किया जाए कि सप्लाई करने की अथॉरिटी जो है किसी बंदे ने दी थी और वो पावर्स के अंदर दी थी क्रेडिट देने की अथॉरिटी किसी बंदे ने दी थी और उसने अपने पावर्स के अंदर ही दी थी उसके बाद उसको सेल्स डे बुक के साथ कंपेयर किया जाए स्टोर्स रिकॉर्ड के साथ कंपेयर किया जाए और इन्हीं एंट्रीज़ को यानी जो इस इन्वाइस की एंट्री सेल्स बुक में हुई है उसको सेल्स लेजर तक ट्रेस किया जाए उसके बाद आप सेल्स डे बुक को लें और उसके अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करें सेल्स लेजर लें उसके अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करें ताकि तमाम अकाउंट्स में जो एंट्रीज जा रही हैं वो अर्थोमेटिकली करेक्ट हों आपने ये वेरीफाई करना है कि जो चीज़ें जिनकी इन्वाइस लिखी गई है वो एक्चुअली शिप हुई हैं या नहीं हुई हैं और दूसरी तरफ ये कि जो जो चीज़ें शिप हो गई हैं यानी डिलीवर कर दी गई हैं उन सब पे इन्वाइस जारी हो गई है कि नहीं है एक और अहम इंटरनल ऑडिट का नुकता यह है कि तमाम इन्वाइस की और तमाम डिलीवरी नोट्स और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स की न्यूमेरिकल सीक्वेंस को गौर से चेक किया जाए कि ये वो उन्हीं डेट्स में और उन्हीं उसी ऑर्डर में इशू हुई हैं जबकि रिस्पॉन्सिबल ऑफिस के पास वो किताबें मौजूद थी यानी गुड्स डिलीवरी जो हुई है उसकी डेट जो है वो इनवाइस की डेट से पहले की है बाद की नहीं है इनवाइस की डेट जो है वो पेमेंट की डेट से पहले की है बाद की नहीं है